कोई इमरजेंसी आ गई हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी होती है, इंसान कुछ टास्क है हमारे पास है, सॉलिड में नहीं है। सॉलिड में क्या है हमारे पास? वुड, क्लॉथ, पेपर, रबर, इसमें हम क्या यूज करते हैं? वाटर, ठीक है। पानी से ये कंट्रोल हो जाएगी। क्लास बी हमारे पास लिक्विड है, आप लिक्विड में पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। 2 ईयर्स पहले ये लेडी गार्डन के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे फायर इमरजेंसी आई थी, हमने जाते ही वहाँ पे पानी इस्तेमाल नहीं किया। हम वहाँ पे यूज करते हैं AFFF फोम, इक्विस फिल्म फॉर्मिंग फोम। अक्सर फीमेल घरों में सर्फ वगैरह किसी बर्तन में डालती है, जार होती है, जार तरह का एक फोम होता है, लिक्विड होता है, इसको हम मिक्स करते हैं पानी में। 3% ये फोम होता है, 97% वाटर होता है। मिक्स करके किसी भी फ्यूल की फायर्स में हम यूज करते हैं। क्यों? ये उसके ऊपर जार जो होता है फ्यूल के ऊपर एक तह बना लेता है जिससे ऑक्सीजन की रसाई नहीं होती, लिक्विड का फायर कंट्रोल हो जाती है। क्लास सी हमारे पास गैसेज हैं, एलपीजी वगैरह, इसको क्या यूज करते हैं? इसको पता है सैंड, जिससे भी यूज होता है। ये आपके सामने किसी भी का है, किसी को यूज का पता है इसका? कैसे यूज करते हैं जी? आ जाए करना होता है, ये दोबारा नहीं फेल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 सेकंड यूज किया, छोड़ दिया,
इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो निकल जाएगी, जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद बेशक आप हैंडल प्रेस करें वो डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर बाहर नहीं निकलेगा, जिधर भी यूज करेंगे इसको फिनिश करें, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फायर्स करें, इलेक्ट्रिकल फायर्स इतनी डेंजरस क्यों है? लेकिन खुदा का सर इलेक्ट्रिकल फायर्स होती है उसके साथ अगर कोई पानी वगैरह फायर्स के साथ टच हो उसके पास होगा कोई लो ऐसी चीज़ जिसमें करंट जा सकता है, डेंजरस इसलिए है, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद हमारे पास CO2 है हमारा हुआ, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एफ फायर जिसे किचन फायर कहते हैं, अक्सर फीमेल किचन में काम कर रही होती है, आग लग जाती है, आप मुझे बताएं ना सबसे पहले आपने क्या करना है? देखिए कहीं भी फायर इमरजेंसी होती है ना पूरी दुनिया में, तो जितने भी फायर फाइटर हैं सबसे पहले भावना से कॉन्टैक्ट करके उस इलाके की बिजली मुकदा करते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाकर फायर फाइटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हॉल में यहाँ पे आग लग गई, सबसे पहले आपने ऑफ करते हैं, उसके बाद गैस का मैन वाल्व बंद करते हैं, उसके बाद उसी फायर को मैं पानी से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैंने बिजली का मैन स्विच बंद नहीं किया उसमें मैं पानी फेंकूंगा मुझे करंट लगेगा, ठीक है। अक्सर फीमेल काम कर रही होती है किचन में, ये गैस लीकेज की वजह से सब्जियों में बहुत से लोगों की डेथ होती है, उस सिचुएशन में मैम क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप किचन में चली गई, किसी रूम में चली गई, आपको स्मेल आ रही है गैस लीकेज है, तो फिर क्या करना चाहिए?
ठीक है डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं ठीक है जो इसके अंदर फ्लैश हुड भी लगे हुए हैं ये जैसे कोई शोला वगैरह कोई ऐसी चीज ज्यादा मसला की फायर का टेम्परेचर कितना होता है सर ये डिपेंड करता है फायर से ठीक है जैसे लिक्विड फायर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है फॉरेस्ट फायर है उसका कम होता है या आपके मटेरियल का क्या किस मटेरियल को आग लगी हुई है फायर में लोगों की डेथ क्यों हो जाती है आप देखते हैं बहुत से लोग जलते नहीं है
इंडिया की किस वजह से, स्मोक की वजह से, जहाँ भी गई हम पॉसिबल एंट्री करते हैं फायर ग्राम खासा टीम लगी हो, हमारा एक फायर फाइटर फुल पीपीज अपने पैर में जाता है, फायर शूट हेलमेट शूज ग्लोव, उसके बाद एस सी बी ए। ये क्या है एस सी बी ए, इसको पता है उसमें कौन सी ऑक्सीजन होती है, क्या होता है इसमें, गाड़ी में बता रही इसमें फ्रेश एयर होती है, ठीक है। ग्राम खासा किसी भी इमरजेंसी में अक्सर आप देखते हैं इमरजेंसी कुएं में गिर गया है तो उसमें भी ये यूज़ होता है, क्योंकि नीचे टॉक्सिक गैसेस होती हैं, बहुत से लोग किसी की जान बचाने के लिए नीचे उतरते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। टाइम कितना होता है हमारे पास यूज़ में, कितना 45 मिनट हमारे पास होते हैं, 40 मिनट वो टाइम है जिसमें आप ऑपरेशन कर सकते हैं। लास्ट जब 5 मिनट होंगे, लास्ट 5 मिनट ये हिस्सा करेगा, आपने वहाँ से निकलना होता है फायर से, जिधर भी आप हेल में हैं फायर इमरजेंसी में, लास्ट 5 मिनट जो है आपकी सेफ्टी के लिए, लास्ट 5 मिनट, ठीक है। हिस्सा होगी कि आपने यहाँ से निकलना है, सीजन खत्म हो रही है, समझ आ रही है आपको, कौन सी फायर का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी फायर इमरजेंसी हो जहाँ मुश्किल हो करना, स्मोक वगैरह हो जी, सॉरी ये सर ने आपने बताया था ऑक्सीजन इसी मकसद के लिए इसमें नहीं डाली, इसमें कंप्रेस करके फ्रेश एयर होती है, और फ्रेश एयर में आपको पता है 20 से 21% तक ऑक्सीजन होती है बस, तो वो ये फाइबर से बना हुआ मटेरियल है, ये आपको नहीं पकड़ेगा, बाहर कितना भी टेम्परेचर है उसके अंदर का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस तक सेम ये भी बेयर कर सकते हैं उसको टेम्परेचर को, ठीक है। हाँ, इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है ये सारा एक प्रूफ है, ठीक है। इसकी जो बैकपैक लगी है, जो बेल्ट लगी हुई है, ये चीज़ें, अब ये जो है ये आपको दिखाने के पर्पज के लिए, जब हम हमारा फायर फाइटर इसको लेके जाता है ना, इसके नीचे उसने अपना फायर सूट पहना हुआ होता है, उसके अंदर कवर आता है, कवर होता है, वो कवर इसको काफ़ी हद तक बचाए रखता है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप 20 के साथ अगर आते हैं तो वो भी मसला नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत पहले ये सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है
स्पाइस पे आपने मैन स्विच बंद कर दिया, वॉल्व बंद कर देना है, ठीक है। अगर नहीं कर सकती वाई से मैन चेक कर दी, अगर नहीं कर सकती आप बाय टेबल चेक को सेव करें, ठीक है। जब वहाँ पे आप लग गई, आपने बिजली मुकदा कर दी गैस, उसी फायर को आप पानी से बुझा सकती हैं। आपने मैन स्विच ऑफ नहीं किया जी, मैन अगर तेल को आग लग गई है उसको आप दम पे डाल नहीं सकती, ज़्यादा आए बिखर गया है, फिर आप पानी से भी उसको बुझाने की कोशिश करें, ठीक है, बुझ जाएगी, फायर कंट्रोल हो जाएगी। गैस का बंद करना है आपने, बिजली बंद करनी है, ऐसे आपने कभी भी पानी इस्तेमाल नहीं करना है। वो कितने मंथ से जो है वो एक्सपायर नहीं होती, जहाज का इंजन वगैरह ऐसी चीजें थी, उस
उसको हमने फायर को कैसे कंट्रोल किया, ना वहाँ पे डीसी भी पहुँचा, ना व्हीकल्स पहुँची, रेस्क्यू वाले पहुँच गए, हमने कैसे उसको बुझाया फायर उसको कैसे, तो बता सकते हैं ऐसी फायर्स का क्या यूज़ करते हैं? वहाँ से मिट्टी बोल के उसके ऊपर इंजन वगैरह जो उसके जो पार्ट्स थे उस पर फेंक दिए, फायर कंट्रोल हुई है। आप किसी गाँव में सेक्टर का घर वगैरह बना हुआ है वहाँ पर आप लगे पानी से पहले बुझाएं, पानी नहीं है खत्म हो गया है, उस फायर को आप मिट्टी से बुझा सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन? देखिए अभी आप मेरे सामने जो लोग बैठे हैं जस्ट आप मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, अभी आप एक रेस्क्यूअर भी बन चुके हैं। ठीक है, आपको कहने देने का मकसद क्या है? जो चीजें मुझे पता है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अभी आप एक रेस्क्यूअर बन गए, ये चीजें आपने अपने घर में फैमिली मेंबर जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे डिस्कस करनी है। ये फायर है उसको ऐसे इमरजेंसी को डील करना है, इस फायर को ऐसे डील करना है। सीपीआर, सीपीआर क्या है?
कैश पेमेंट इस तरह के पेशेंट्स होंगे मैम आज मैं थोड़ा सा बताऊँ इंफॉर्मेशन जो कि डेली रूटीन की इंफॉर्मेशन है उसकी एक्सेस को ईजी
और से होते हैं जिसका आपने सीपीआर करना है।
कैसे आप सीपीआर करेंगे? जुलसान है सीपीआर कैसे करेंगे? कौन सी बात सीपीआर कैसे करते हैं? सेम ट्रेनिंग, ठीक है? तो सारे बंदे माशाल्लाह से ट्रेंड है हर फील्ड को लेकर।